अगर आपको भी आपकी बॉडी में बाइट बाइट धब्बे से आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर बाइट बाइट धब्बे हो रहे हैं या फिर आपके घर के किसी बच्चों को हो रहे हैं, चाहे वो फेस पे हो रहे हों चाहे पूरी बॉडी पे हो रहे हों, तो उसका घरेलू उपाय कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में होम ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ जिसका आपको ट्रीटमेंट्स यूज़ करना चाहिए। तो उसको जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपकी बॉडी में से वाइट वाइट धब्बे निकलने लग जाते हैं, यानी जो आपकी स्किन है उसके अलावा एक अलग ही तरह का एक गोल मटोल या फिर साइड वाइज आपको वाइट वाइट धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी बॉडी में, तो पहले वो होने के रीजन्स हम जानेंगे कि आपको क्या रीजन से ये सब हो रहा है। पहले तो लोगों का कहना है, लोग बोलते भी हैं कि अगर आप जिस दिन मछली खा रहे हो, यानी चाहे मछली की सब्जी खा रहे हो या मछली का ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, उस टाइम आपको उसके ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आप मछली खाने के ऊपर दूध पी लेते हैं तो आपके वाइट वाइट डब्बे होने लग जाते हैं, ये तो लोग कहते हैं। लेकिन ये एक अलग बीमारी भी होती है जो कि अक्सर लोगों के साथ होता है कि उनके फेस पे वाइट वाइट डब्बे होने लग जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी होने लग जाते हैं जो कि भाई मछली भी नहीं खाते हैं। और तो आप ये सब सोच के या फिर ये सब देख के आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हो कि भाई ये क्या हो रहा है, एक अलग तरह की स्किन आ रही है या फिर ये स्किन ख़राब हो रही है, अगर कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। तो आप इसका जल्द से जल्द इलाज कर सकते हैं। देखो, मेडिकल में भी इसका इलाज है, आप डॉक्टर पर जाके इलाज कर सकते हैं। अगर सही इलाज मिल जाता है तो आपको ये धब्बों से परेशानी सा सॉल्यूशंस मिल जाता है, यानी ट्रीटमेंट्स मिल जाता है। लेकिन अगर आप होम ट्रीटमेंट करना चाहते हो, घरेलू उपचार, तो वो भी आप कर सकते हैं जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर बांस का पेड़ देखा हो, बांस के पेड़ के पास आपको जाना है और बांस के पेड़ के नीचे जो पेड़ रहता है, यानी ये अगर आप इतना मोटा बांस है तो उसके नीचे यानी एक हाथ ऊपर उसमें बाइट बाइट सा आपको पाउडर सा दिखाई देगा, तो आप किसी भी चीज़ से उस पाउडर को निकाल लें, किसी भी आप बर्तन में निकाल लें या फिर किसी कागज़ पे निकाल लें, उसको निकाल लें और उसको निकाल के आप आपके घर पे लेके आ जाएं। वही पाउडर का आपको ट्रीटमेंट करना है और फिर उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट और लेना है, देसी गाय का देसी घी। अगर आपके पास नहीं है तो आप आस पड़ोस से जाकर ले लें। मार्केट में तो देसी गाय का घी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिलावट से बेचते हैं, तो आप देसी घी आप लेके आए देसी गाय का, उस देसी घी में आप बांस का पाउडर आप मिक्स कर लें और मिक्स करके जहाँ पर आपके बाइट बाइट धब्बे हो रहे हैं, बाइट बाइट चकते हो रहे हैं, उस पर आप आसानी से लगा सकते हैं, चाहे आपकी बॉडी में कहीं पर भी हो। एक दो हफ्ते में आपको प्रॉपर आराम देखने को मिलेगा और एक दो महीने में आपके वो ट्रीटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स है, जो धब्बे हैं, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे इस ट्रीटमेंट से। तो देखो, ये ट्रीटमेंट का खर्चा आपको जीरो पड़ेगा। देसी, अगर आप गांव के हैं तो आपके घर पर ही देसी गाय का घी होगा या आपके पड़ोस में होगा, तो एक दो चम्मच तो आप वैसे भी ले कर सकते हैं। और गांव में अक्सर जो बांस के पेड़ हैं वो तो रहते ही हैं, तो आप बांस के पेड़ के पास जाएं, वहां से उसका पाउडर निकाल लें वाइट वाइट, ज़्यादा नहीं निकालना है, सिर्फ जो आपके हाथ में आ रहा है उसको खरोच खरोच कर निकालना है, आपको पूरा पेड़ नहीं काटना। ऊपर का पाउडर आप चाहो तो हाथ से देख सकते हैं, हाथ से निकल जाएगा। तो इसका आपको ट्रीटमेंट बनाना है जिसको आप घरेलू उपचार बोल सकते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट है। बच्चों का हो रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स वो अलग है, केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स अगर आप यूज़ करना चाहें, क्रीम भी आती है और मेडिसिन भी आती है, टेबलेट्स वगैरह, कैप्सूल्स वगैरह, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो उस टाइप से आप डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये बांस के प्रोडक्ट से, आपको देसी गाय के घी से प्रोडक्ट से आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत जाके वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने लोगों को ट्रीटमेंट्स कराए तो वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोगों की अलग बीमारी होती है तो बीमारी वाले ट्रीटमेंट्स थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं, डॉक्टर भी उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और उनका इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी में ही बाइट बाइट चकते हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं देखने में भी, और एक अजीब तरह की ये बीमारी होती है। भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, बट हाँ, अगर आपके अभी हो रहा है तो आप ये ट्रीटमेंट करके ज़रूर देखें, तुरंत ये जो बीमारी है वो सही हो जाएगी। और आपको एक बात और बता दो, जिस दिन आप मछली खा रहे हैं उस दिन आप कोई सा भी दूध ना पिए या फिर चाय भी आपको नहीं पीना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है और लोग ऐसा बोलते भी हैं कि बाइट बाइट चखते उसी से ही होते हैं।
तो इससे बच के रहें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो मेरा काम था बताना, मैंने आपको ट्रीटमेंट्स बता दिए, बाकी आपके ऊपर है आपको क्या यूज़ करना है क्या यूज़ नहीं करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।